कई लोग जब हमने देखा तो एक डायलॉग है उसमें धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत. 28 साल के करियर में आपने ये कितना फॉलो किया है इन योर रियल लाइफ एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड? एग्जीक्यूशन जब हो रहा होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, क्योंकि तुमने मेंशन किया कि मेरी अगर सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते के लिए कहा है मत जाओ सेट पे, मैं 6 दिन बाद पहुंच गया था शूटिंग खत्म करने के लिए, क्योंकि धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत. बट हैविंग सेड दैट, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, एनी थिंग विच इज एनी थिंग हर्टफुल और रॉन्ग और अंडर हैंड और अनएथिकल, मैं हमेशा सैक्रिफाइस करूंगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ, कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज धंधे के लिए सही है. एंड हैविंग सेड दैट अगेन, अगर मुझे लगता है कि हमारे काम के लिए कोई चीज़ सही है, वी विल ऑलवेज बी काइंड एंड नाइस अबाउट इट, बट वील स्टिक टू आर गन्स एंड यू नो डू द थिंग, बिकॉज बिलीफ होता है. तो इट्स नॉट अबाउट धंधा, इट इज अबाउट बिलीफ. तो मैंने धंधा कभी धंधे की तरह किया नहीं. एज एन एक्टर आई थिंक हम सबको एक्टिंग को धंधा समझना ही नहीं चाहिए. वी शुड जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ फीलिंग एंड यू नो इट्स अ वेरी गिविंग प्रोफेशन. Of course, we earn a lot of money and there's a lot of competition. और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगती हैं कि कट थ्रोट होगी, डॉग ईट डॉग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. आई थिंक एक्टर्स शुड ट्राई एंड रिटेन द क्वालिटी ऑफ इनोसेंस ऑफ गिविंग.